हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो कहा गया था कि अगर आपका किसी भी कोई भी लोन चल रहा है तो उसमें 3 महीने की ईएमआई पे करने के लिए जो छूट प्रदान करी गई है उसका लाभ आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किस तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप जो कस्टमर रिक्वेस्ट है या तो आप पोस्टपोन करने के लिए 3 महीने एक्सटेंड करने के लिए आप दे सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आपकी कोई ईएमआई कट गई है तो आप उसके रिफंड की रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं, आपकी ईएमआई रिफंड हो जाएगी। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है, ये एनेक्शर वन, वो आपको एसबीआई की वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसका मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, मेरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक से अपना ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंटआउट निकाल के इसको फिलअप करके स्कैन कर सकते हैं। और अगर आप किसी वजह से ये डाउनलोड नहीं कर सकते तो आप हैंड रिटन भी राइटिंग में लिख सकते हैं इसी फॉर्मेट में और उसको आप सबमिट कर सकते हैं। आपको जो है, जब आप जिस स्टेट में भी आपका लोन चल रहा है, आपका जिस ब्रांच में चल रहा है और वो ब्रांच जिस स्टेट में है, हर स्टेट के लिए एक अलग ईमेल आईडी है। उस ईमेल आईडी पर आपको अपना ईमेल भेजना है। जैसे गुजरात और दमन और दादर नागर हवेली में है आपका अकाउंट, तो आपको stopemi.lhoahm@sbi.co.in पर भेजना होगा। इस तरीके से हर स्टेट के अपने अलग अलग ईमेल आईडी हैं, तो कृपया करके इस बात पर आप गौर करिएगा कि आप उसी वाली स्टेट के ईमेल आईडी पर भेजें, नहीं तो आप भेज देंगे लेकिन आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं होगी। यह असुविधा आपको होगी जरा सी लापरवाही की वजह से। टोटल 17 पार्ट सर्कल्स में एसबीआई को डिवाइड किया गया है, उन सबके ईमेल आईडी मैंने दिए हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं। मेरा वीडियो पॉज कर आप आराम से उसको देख सकते हैं और आपको उसी ईमेल आईडी पर अपनी रिक्वेस्ट स्कैन कॉपी रिक्वेस्ट की भेजनी है। और अगर जब आप ये रिक्वेस्ट भेजेंगे तो इसको प्रोसेस होने में 7 दिन लगेंगे, मतलब यानी कि अगर आज आप एप्लीकेशन भेजते तो 7 दिन के बाद आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, चाहे वो पोस्टपोन की हो चाहे वो रिफंड की हो। आपका पैसा अगर ईएमआई कट गई है तो वो आपकी रिफंड हो जाएगी। और अगर यदि आप ये 3 महीने की छूट का कोई लाभ नहीं लेना चाहते तो आप कुछ मत करिए, आपकी ईएमआई एज यूजुअल कटती रहेगी और आपका लोन रेगुलर उसमें पे होता रहेगा। अब हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली बात की जो 3 महीने की जो ईएमआई की छूट मिली है, ये छूट उन्हीं लोगों के लिए जिनकी ईएमआई 1 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में ड्यू होती है। अगर आपका 1 मार्च के पहले कोई ईएमआई ड्यू है तो वो आपको पे करनी है, अदरवाइज आपका अकाउंट डिफॉल्ट में चला जाएगा। दूसरा, ये अगर आप इस सुविधा का लाभ लेते हैं तो 3 महीने आपके जो प्रिंसिपल और पर जो इंटरेस्ट है वो लगातार लगता रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट आपके बिल्कुल लगातार लगता रहेगा। तो मेरी राय यही है, अगर यदि आपको आपके घर में कैश फ्लो की समस्या है कि अगर आप के पास कैश नहीं तो ही इस फैसिलिटी का लाभ लें। अगर आप रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सैलरीड एम्प्लॉई है, रेगुलर सैलरी आ रही है, तो अपने लोन को आप रेगुलर पे करिए, क्योंकि अननेसेसरी आप इतना, क्योंकि इंटरेस्ट रेगुलर लगेगा उस पर प्रिंसिपल, अगर आप उसको 3 महीने के लिए डबार्ड भी कर देंगे तो। अब होता क्या है, अगर यदि आप इस फैसिलिटी को ले लेते हैं 3 महीने के लिए, तो आपका जो रीपेमेंट पीरियड है वो 3 महीने आगे बढ़ जाता है। मान के चलिए आपने कोई होम लोन लिया है 10 साल के लिए, यानी कि 120 महीने के लिए, और अगर आप इस फैसिलिटी को ले लेते हैं, इस सुविधा को, तो आपका जो लोन पीरियड है वो 123 मंथ बढ़ जाएगा और उसी हिसाब से आपकी ईएमआई एडजस्ट हो जाएंगी। तो जनरली इस पर ईएमआई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूंकि मैंने ये सारे रेफरेंसेस एसबीआई साइट से ही लिए हैं, sbibank.sbi/stopemi पर आपको फॉर्मेट मिल जाएगा एनेक्शर 1 और एनेक्शर 2 का। वैसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दूंगा उसका लिंक, और ये बाकी की साइट्स हैं जो एसबीआई की हैं, यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी है जो मैं इस वीडियो में नहीं कर पाया वो भी आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और आप इस फैसिलिटी का लाभ लें तो अच्छा, और आप किसी परिस्थिति में लाभ ना ले पाए तो भी, लेकिन ये एक फैसिलिटी अगर लेना चाहे तो बहुत अच्छी बात है।
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसको शॉर्ट आउट करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।